स्वागत है आपका केवल डिफेंस कोचिंग में। लेकिन मैं यहाँ पे आज आपको यहाँ पे जैसे हम लोग कंसेप्ट जो पढ़ेंगे IAS ODAT IF ONLY एंड ODAT, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पोकन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जैसे लिखा हुआ कि IAS ODAT IF ONLY एंड ODAT। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये सब जो वर्ड होते हैं अपने आप में काल्पनिक वर्ड होते हैं। काल्पनिक मतलब कि मैं चिड़िया होता तो आसमानों में होता, मैं राजा होता तो राज करता, ऐसे वैसी जो बात होती है ये काल्पनिक होती है। ठीक है, जो प्रेजेंट में कभी तो हो नहीं सकता, ये कब होगा तो ये पास्ट में होगा। तो पास्ट की बात जो होती है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा पास्ट का ही प्रयोग करेंगे। अभी प्रेजेंट इसके साथ नहीं होता है, कभी इसके साथ प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये जो है इसका सही यूज क्या होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। जब भी आपको सेंटेंस में यहाँ पे दे देगा विश दे देगा ओ डेट दे देगा ओनली डेट दे देगा इसके बाद ओ डेट दिया। ठीक है, ओ डेट दिया। तो इसके साथ हमेशा आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं टाइम एंड टेंस में कि इसके साथ हमेशा वर्ब टू या वर्ब क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक होता है। ठीक है, काश में राजा होता, काश में रानी होता, काश में पक्षी होता, तो काश की बात होती है। ठीक है, जो काल्पनिक में होते हैं जो हमेशा पास्ट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे पास्ट में और भी आ सकता है, जैसे कि इन सब का जो है हिंदी हम लेके चले तो इसका जो मतलब होगा इसका सबका हिंदी होगा आपका काश। ठीक है, काश होगा। अब देखिए इसके साथ जो है हमारा और भी स्ट्रक्चर पास्ट में आएगा, जैसे हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसके बाद इन सभी के बाद हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे वर्ब टू जो होगा, यहाँ पे जो वर्ब टू होगा या तो ये आपका वर्ड हो जाएगा, या तो ये आपका वर्ड हो जाएगा, या ये आपका हेड हो जाएगा, या वर्ब का पार्ट टू जो है तो वर्ब का पार्ट टू भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कब, जब इन सभी वर्ड के बाद में। ठीक है, या हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे ये तो हेड हो ही जाएगा, और इसके लिए जो है यहाँ पे जो है एक और हेड, V3 के लिए एक और हेड का प्रयोग हो जाएगा। या तो यहाँ पे हेड भी हो जाएगा, या इसके लिए हमारा बीन भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी हम प्रयोग करते हैं इन सभी वर्डों के बाद जो काल्पनिक होते हैं, और इसका प्रयोग हमेशा पास्ट में होता है और एग्जाम में इससे रिलेटेड 100% पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इसमें हम देखिए इस पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन भी लेकर आए हुए हैं जिसको हम यहाँ से क्लियर कर देंगे, जिससे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया और आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपके एग्जाम में 100% बना के आइएगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि IVs, अब देखिए कब हमारा हेड प्लस V3 होगा, तो यहाँ पे ये हेड प्लस V3 के बाद अदर वर्ड के बाद अगर टाइम होगा, अदर वर्ड के बाद क्या होगा जी, टाइम होगा, अदर वर्ड के बाद क्या होगा जी, टाइम होगा। तो जब टाइम होगा तो हेड लेगा। ठीक है, क्या लेगा, हेड लेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि I wish I had कांग्रेस यहाँ यस्टरडे, तो जब हम यस्टरडे हटाए ये वर्ड रखे तो उसके लिए हेड जो है ये अपने आप में सही है। लेकिन ये यस्टरडे जो है किसको बता रहा है, पास्ट को बता रहा है। आप लोग को बताया गया टाइम एंड टेंस में कि यस्टरडे लास्ट डे के साथ वी2 क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, तो पहले से ही वो तो हेड नहीं है, तो उसके साथ जब यस्टरडे आए तो फिर वो हमारा क्या प्रयोग करेंगे, हेड का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, हेड। तो यहाँ हेड के साथ एक और हेड का प्रयोग करेंगे तब जाके ये सेंटेंस क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे ओड है यहाँ पे लिखा है ODAT C1 ODAT C has यहाँ पे दिया है कि पेशेंस टू फेस हर इन हिज लास्ट मंथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी अगर हम लास्ट मंथ की बात अगर नहीं करें, लास्ट मंथ ये क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है, और ये भी पास्ट को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ सब ये लास्ट मंथ टाइम को बता रहा है और पास्ट को बता रहा है, अगर इसकी बात नहीं करें यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये अपने आप में हेड सही है। लेकिन जब यहाँ पे हम लास्ट मंथ की बात करेंगे तो इसके साथ ODAT के साथ हमारा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और हेड का प्रयोग करना पड़ेगा, जब तब जाकर आपका सेंटेंस सही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, लिखा हो कि एज इफ आई हैड ब्रेकफास्ट ऑन टाइम यस्टरडे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका यस्टरडे जो है ये यस्टरडे किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है, और ये पास्ट में है। ठीक है, ये किसमें है,
फर्स्ट में है, तो अगर इसे स्टैंडर्ड को हटा दे तो हमारा यहाँ पे हेड ठीक है, लेकिन सर स्टडी यहाँ टाइम का बात कर रहा है तो इसके लिए हमारे यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, हेड का ही प्रयोग हो जाएगा ठीक है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि could that I had a student when you meet me last year ठीक है, तो when you meet me last year तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ और इसके बाद जो है हमारा टाइम दिया, इसके बाद जो है जब टाइम दिया है तो इसके साथ अभी हम बताएंगे हैड के साथ हमारा बीन भी आता है तो उसमें भी हमारा टाइम जब दिखेगा तो यहाँ पे हैड के साथ हमारा क्या आएगा जी बीन का प्रयोग करना पड़ता है जो उचित होता है ठीक है। तो अभी हम जाने यहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ पे आई विश और डेट इफ ओनली या वो डेट का प्रयोग जाने ये अपने आप में काल्पनिक होता है और काल्पनिक के साथ जो है हम इसके साथ हमेशा पास्ट का ही प्रयोग करते हैं, कभी प्रेजेंट का प्रयोग नहीं कर सकते, पास्ट का प्रयोग होगा प्रेजेंट का प्रयोग नहीं होगा और इसमें हम जो है या तो वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं या वी टू का प्रयोग कर सकते हैं या हेड प्लस वी थ्री का प्रयोग कर सकते हैं या यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड के बाद अगर टाइम हो तो हेड हेड प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे, कभी आपको प्रेजेंट टेंस इसके साथ नहीं आता है, कदापि नहीं आएगा ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम जाने यहाँ पे आई विश वांटेड मी इफ ओनली या ओल्ड डेट के बारे में ठीक है। तो देखिए अगर इस चैनल का अपने व्यूअर्स है, अगर वीडियो आप लोगों को कंप्लीट रूप से समझ में आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, जिससे इस चैनल के माध्यम से उनका बेस्ट रूप से तैयारी हो और इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप इस सभी वीडियो को हमारे चैनल से जुड़कर और देखिए और देख करके यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए।